चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। आज ऑल आर्टिस्ट एसोसिएशन की तरफ आर्टिस्ट जेएनके की तरफ से यहाँ एक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें गुलजार अहमद भट्ट साहब ने कोशिश की है कि पूरी स्टेट के आर्टिस्ट जो है वो एक जगह इकट्ठे हों और भारत की उस बेटी को जिसने भारत का नहीं पूरी दुनिया में अपना एक नाम बनाया, 50,000 से ज़्यादा 30 लैंग्वेजेस में गाने गा के, और एक सिंपल एक ट्रांसपेरेंट सी शख्सियत जो आज हमारे बीच में नहीं है। मैं समझता हूँ ऐसे लोग मरते नहीं हैं, वो हमेशा दिलों पे राज करते हैं, और लता जी भी जब तक ये दुनिया है, जब तक ये संसार है, वो सबके बच्चों से बुजुर्गों तक दिलों पे राज करेगी, और हम सबका फ़र्ज बनता है कि उनके फुटप्रिंट्स पे चला जाए और भारत का नाम रोशन किया जाए। आज तो दिखा दो कि लता जी की श्रद्धांजलि देने वास्ते बकरी बकरे लोग आर्टिस्ट इकट्ठे होए ने, जिदा सारा बीड़ा साढ़े गुलजार जी ने चुकया, और जिदी अज की अध्यक्षता है, अज के जो मुख्य परौने ने वो सहेल काजमी साहब ने, उन्हें कहना मी भी कहना बोलने का मौका मिलया। मैं धन्यवाद देना चाहना, लेकिन एक गल आखना चाहना कि वह सरस्वती का स्वरूप जड़िया के बसंत पंचमी वाले दिन जाना, मैं समझना कि भारत रत्न जिदा कादो है, और जिहड़े गाए दे गीत डोगरी होण भावें मद्रासी च होण तेलगू च होण, ਉਹ ਐਡਾ ਬੜਾ ਗਲਾ ਸੁਰ ਦੀ ਦੇਵੀ ਜਿਹਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਦੁੱਖਦ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਖਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਗਾ ਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਗਾ ਦੇਣ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਐਸਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਜੰਮੂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ 'ਚ ਕਾਜਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।